शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ, रोहन की तबीयत खराब ही हो जा रही है। शिवांश को मदद करने दीजिए, अभी ये सब समय नहीं है सोचने का। शिवांश, आप आइए, उठाइए रोहन को। ठीक है शिपू बेटा, आ जाओ। ठीक है। आराम से रोहन। आराम से बेटा, संभल के जाना। हाँ, और अस्पताल पहुंच के हमें फोन कर देना, ठीक है? आप परेशान मत होइए, हम आपको फोन करते हैं। आप तो भी यही रुकिए, हम आते हैं। ठीक है रोहन, संभल के, आराम से। आराम से रोहन, संभल के। अरे, हम चाबी लेके आते हैं। चाबी हमारी। बैठो अंदर। शिवांश रुकिए, गाड़ी का तो टायर पंचर है, अब क्या करेंगे? क्या? एक काम करते हैं, ऑटो में चलते हैं। लेकिन शिवांश, इस समय तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, तो क्या करें? हम एक काम करते हैं, हम स्टेप नहीं लगा देते। हाँ। इतना टाइम नहीं है, बहुत देर लग जाएगी, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल पहुंचना है, अब क्या करेंगे? अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम रोहन को बाइक पे लेके जाते हैं, आप यहीं पे रुकिए। आओ, चलो 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 चलो। रुको। क्या हुआ शर्मी? आप ऐसे रोहन को लेकर अकेले नहीं जाएंगे, आप लोग ने रास्ते में वापस कुछ झगड़ा? नहीं नहीं नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। शर्मी, आप भी हद करती हैं। अभी अभी अंदर हमने सबको मिठाई खिलाई है कि अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, और आप है कि हम पे शक कर रही है। इसकी हालत देखिए आप, दर्द में बेहाल हो रहा है, हम तो बस मदद कर रहे थे। अच्छा बताइए, हम ऐसा क्या करें कि आपको हम पर भरोसा हो जाए? बोलिए, किसकी कसम खाए? हमारी कसम, हमारी कसम, हमारी कसम। आपकी कसम? हाँ शिवांश, हमारी कसम। मतलब आप अभी भी हम पर भरोसा करती हैं कि हम आपकी झूठी कसम नहीं खाएंगे? ठीक है। हम आपकी कसम खाते हैं। अब तो आपको हम पर भरोसा हो गया। ठीक है शिवान, अब रोहन को जल्दी लेकर जाइए। लेकिन आप रोहन को कौन सा हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जाए? हाँ, सिटी हॉस्पिटल, वही सबसे नजदीक है। जल्दी चलो, आराम से, चलो चलो जल्दी। आराम से। घबराने की कोई बात नहीं है, कोर इन्फेक्शन का केस लग रहा है, हमने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं। डॉक्टर साहब, अब दर्द तो नहीं होगा इनको? नहीं, पेन किलर का इंजेक्शन दिया है रिलीफ के लिए, इसीलिए सो रहे हैं। आराम आ जाएगा तो आप घर ले जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपको बताना भूल गए, इन्होंने ना अपनी एक किडनी दान में दी थी,
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई हो? तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमको अभी याद आया। फिर तो हमें प्रॉपर स्कैन करना होगा। जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई बड़ी तकलीफ हो जाए। मैं देखता हूँ। नर्स, इनके एब्डोमिन का स्कैन करना पड़ेगा, तैयारी करो। आप यहीं पर वेट करिए, मैं आता हूँ। जी। श्रावणी, क्या जवाब देंगे? हेलो हेलो शिवांश, हमें रोहन की बहुत चिंता हो रही थी इसलिए हम सिटी हॉस्पिटल आ गए हैं। आप कहाँ हैं? हेलो हेलो शिवांश, हेलो 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 शिवांश, हेलो 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 शिवानी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रही हैं? हेलो हेलो शिवांश, फोन कैसे बंद हो गया? चेयर इधर रखो, हाँ नर्स इधर आओ। देखो गहरी नींद में है, लगे ना, इनको स्कैनिंग रूम में ले चले चलो। डॉक्टर साहब, ये स्कैन करने में कितना टाइम लगेगा? यही कोई आधा पौना घंटा। अच्छा ठीक है, जो भी कीजिए थोड़ा जल्दी कीजिए, वो क्या है ना, हमें बहुत चिंता हो रही है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, जैसे स्कैनिंग की रिपोर्ट आएगी हम इन्हें वापस ले आएंगे। जी हमको माफ करना शरावनी, हमको आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन रोहन ने किडनी दी है या नहीं दी है ये जानने का इससे अच्छा तरीका और हमारे पास नहीं था। हमको माफ करना। कमाल है, सारे इमरजेंसी वार्ड छान मारा लेकिन ये लोग दिखे ही नहीं कहीं पे। हम शिवांश का फोन, हेलो शिवांश कहाँ है आप? कितनी देर से हम आपको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फोन ही बंद आ रहा है। हम यहाँ सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हैं। हाँ वो यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है इसलिए नहीं मिल रहा होगा फोन। आप लोग कहाँ हैं? हम संजीवनी हॉस्पिटल में। संजीवनी हॉस्पिटल? लेकिन आप तो रोहन को सिटी हॉस्पिटल लेकर गए थे ना? हाँ पहले हम रोहन को सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन फिर हमारे दोस्त ने बताया कि वहाँ का इमरजेंसी वार्ड है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे ले आए। और हम इतनी जल्दबाजी में थे कि आपको बता नहीं पाए। अच्छा ठीक है, रोहन कैसा है, डॉक्टर ने क्या कहा, वो कुछ बताया डॉक्टर ने? रोहन अभी ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसको फूड इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। ठीक है शिवांश, हम यहाँ सिटी हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, संजीवनी हॉस्पिटल आने में हमें एक डेढ़ घंटा जाएगा, आप वहीं इंतजार कीजिएगा हमारा। ठीक है। डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया, ठीक है ना, इनकी जो एक किडनी है वो ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं? आपने अच्छा किया जो हमें पहले बता दिया कि इनके पास एक ही किडनी है। उसका मतलब उस चिट्ठी में जो लिखा था वो सही है? डॉक्टर साहब इनकी किडनी तो ठीक है ना, फूड इन्फेक्शन से कुछ हुआ तो नहीं इसको? हाँ हाँ किडनी बिल्कुल ठीक है, हमने सही से चेक कर लिया है, उन्हें बस फूड पॉइजनिंग ही हुई है। हमने पेशेंट को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है, एक डेढ़ घंटे बाद उन्हें आराम मिल जाएगा, आप चाहें तो घर ले जा सकते हैं। थोड़ी देर में उनकी पत्नी आएगी, वही ले जाएंगे। ओह आई सी। आपने अच्छा किया जो हमें पहले बता दिया कि इनके पास एक ही किडनी है।
भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि जिंदगी भर आप जितनी नफरत करना चाहे उतनी नफरत करें। तो चलिए शिवान से अब इसी नफरत के लिए ऑपरेशन करवा लीजिए। शिवांश, रोहन कैसा है? कैसी उसकी तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है, एक दो घंटे में डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप घर ले जाना उसे। थैंक यू। शिवान, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों है? कोई बात है? नहीं शिवान, जो सॉरी, हमने आप पर भरोसा नहीं किया, करना चाहिए था। सॉरी शिवान। शिवांश, जरूर कुछ तो बात है। शिवांश इतने गुमसुम नहीं रहते। हम आपको तलाक दे रहे हैं। गलत नजर से देख रहे हैं। बस इतना याद रखें कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आप हमसे प्यार करती थी, अब नहीं, क्योंकि अब तो आपका वो दोस्त वापस आ गया ना, वो विदेशी। रोहन, आज बाहर उल्टी पड़ रही है। क्या कर रहे हो आप शिवान? शिवान जी, हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है, इसलिए आप हमारी जिंदगी से ना दूर चले जाइए। दूर। हमें यकीन है कि शरवीन ने हमारा बच्चा अबॉर्ट नहीं कराया होगा। ये क्या किया हमने? उसे जिंदगी बर्बाद कर दी हमारे लिए, और हमने क्या किया उसके साथ? हमें किडनी दिलवाने के लिए उसने रोहन से शादी कर ली। चिल्ला चिल्ला कर कहती रही वो हमसे, चीख चीख कर कहती रही, शिवान सुनो, शिवान सुनो, कि हमने बच्चा नहीं गिरवाया। लेकिन शिवान नहीं सुना, शिवांश नहीं सुना, नहीं करा हमने भरोसा उसका। अब क्या फायदा? अब क्या फायदा शिवांश सिंह? अब चलो अपने इसी गुस्से की आग में जिंदगी भर। इसी लायक हो तुम, इसी लायक। इतने गिरे हुए इंसान हो तुम कि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। कहती रही हमसे, और हमने उसके सामने दूसरी शादी कर ली। क्या बीती होगी उस पर? हमको बचाने के लिए उसने किसी और से शादी कर ली। एक हम है कि हमने अपने गुस्से में शादी कर ली। हमको माफ कर दो श्रवणी। नहीं, इस बार हमको माफ मत करना श्रवणी। इस बार हम सजा के हकदार हैं। हाँ, इस बार हमें माफी नहीं चाहिए। आज क्या किया तुम? आज वो तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी।
आराम से। रोहन अब बेटर फील हो रहा है? हाँ, डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसका काफी असर हुआ है। अब डॉक्टर ने मेडिसिन लेने भी कहा था, तुम अभी लोगे या थोड़ा रेस्ट करने के बाद? टाइम तो हो गया, ले लेते हैं। ठीक है, हम पानी लेकर आते हैं। अरे स्वीटी, तुम जग रही हो अभी तक? तुम लोग का इंतजार कर रहे थे। रोहन अब कैसे हो? पहले से बेहतर है। स्वीटी तुम जाओ, जाके आराम करो। लेकिन शिवांश कहाँ है? शिवांश नहीं लौटा तुम लोगों के साथ? शिवांश वो घर नहीं आए, वो तो हमसे पहले निकल गए थे हॉस्पिटल से। पहले निकल गया था लेकिन वो तो अभी तक आया नहीं। शिवांश अभी तक घर नहीं आए? घर नहीं आए तो कहाँ गए? हम फोन करते हैं। बेटी उठा नहीं रहा है, फिर से करते हैं। फोन काट दिया। दीदी हमको टेंशन हो रही है, उसे कुछ कहा था क्या? कहा जा रहा है? नहीं शिवांश ने तो कुछ भी नहीं कहा। रुको हम मिलाते। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ चले गए वो प्रिनावत? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शिवांश रोहन के साथ गया था ना उसकी मदद करने, फिर वापस क्यों नहीं लेकर आया उसको साथ में? तुम लोगों की जिम्मेदारी थी, जरूर कोई कहा सुनी हो गई होगी कि वो वापस लौट कर नहीं आए। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही। वो तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो क्या हुआ, इतने परेशान क्यों है? शिवांश बहुत गुमसुम से थे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। हमने पूछा भी उनसे लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने और चले गए। हमें लगा घर आ गए होंगे। स्वीटी तुम एक काम करो, उसके सारे दोस्तों को फोन करो। हमारे पास कहाँ है उसके दोस्तों का नंबर? कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं है हमारे पास, हम करते हैं। शवनी, शिवांश कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा, उसके बारे में सोचना बंद करो। चलो रोहन, उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा तभी तुम्हें भागकर हॉस्पिटल लेकर गए। शवनी हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ घर में उसकी फिक्र करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम अभी भी अस्पताल से आए हैं दर्द में। और रही बात उसके दोस्तों को फोन करने की, तो सीटी है ना उसकी पत्नी, हम अपनी पत्नी से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। रोहन हम बस दो। हद करती हो श्रवणी, कितनी बार सब लोगों ने तुमसे कहा है कि अपने पति पर ध्यान दो, स्वीटी के पति पर नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता, बाजी नहीं आती तुम। शिपू आ जाएगा, हमारे पास उसके सभी दोस्तों के नंबर हैं, हम बात कर लेंगे। तुम जाओ, रोहन का ध्यान रखो, जाओ। स्वीटी हम शिब्बू के सभी दोस्तों का नंबर लिख के तुम्हें दे देते हैं, तुम फोन कर लो। ठीक है। हे देवी माँ, हमारा दिल कह रहा है जरूर कोई बात है। पहली बार शिवांश इतने चुप थे, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, पता नहीं कहाँ है वो। माता रानी उनका ध्यान रखिएगा।
राम राम बाबू साहेब, कुछ पैसा दे देते तो बहुत अच्छा होता बाबू साहेब। चाहिए तो अपने आप को हम कोड़ा मार के दिखाते हैं आपको। ये देखिए बाबू साहेब, ये देखिए, ये इतना सारा पैसा रख लो। राम राम भाऊ साहेब। रुको, एक चाबुक हमें दो। चाबुक भाऊ साहेब, एक चाबुक का आप क्या करेंगे? दो। जी भाऊ साहेब। जाओ, जब तक हम ना रुके तुम भी मत रुकना। जी बात है। आज हर दर्द हर जख्म का हिसाब होगा तो श्रावणी को हमारी वजह से मिले। गजब हो गया भाभी, भैया तो हमारी एक भी नहीं सुन रहे, अपने आप को कोड़े से मारे जा रहे, कोड़े से। आपकी अपनी श्रावणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।